I am Rekha Mehta, and you are watching Physics Online Education. Students, I hope you are doing well. And in this video, we are going to understand the topics of quantum physics, and these topics are time independent Schrodinger wave equation, eigenvalue, and eigenfunctions. वेव फंक्शन एंड इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस सो लेट्स बिगिन विद टाइम इनडिपेंडेंट शुडिंजर वेव इक्वेशन टाइम इंडिपेंडेंट शुडिंजर वेव इक्वेशन करने से पहले हमें टाइम डिपेंडेंट शुडिंजर वेव इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी ठीक है और ये हमें पता है कि जो टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन थी जब हमने ड्राइव की थी तो उसके अंदर हमने वेव फंक्शन लिखा था मैं वन डायमेंशनल की बात करी हूँ साई एक्स टी इज इक्वल टू ए रेज टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी माइनस के एक्स ठीक है आ, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि ये हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं कि जो एवरी मूविंग पार्टिकल है वो एसोसिएट होता है एक वेव के साथ जो डी ब्रोगली सर ने दिया था ठीक है और फिर बाद में उसको एक्सटेंड किया था शिविंजर सर ने कि एक वेव ना लेकर हम क्या लेकर चलते हैं ग्रुप ऑफ वेव्स या वेव पैकेट के साथ वो पार्टिकल एसोशिएट होता है ठीक है तो इसके अंदर मैं अगर बात करूँ तो हमने हमने ओमेगा को रिप्लेस किया था ई बाई एच कट से और के को रिप्लेस किया था पी बाय एच कट से जहाँ पर ई e, हमारे पास क्या है एनर्जी है पी क्या है मोमेंटम है ओमेगा क्या था ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी थी और के क्या था वे वैक्टर ठीक है और अगर मैं इसको यहाँ रिप्लेस करूँ तो ए मेरे पास एम्पलीट्यूड था ई टू पावर माइनस आयोटा एच कट मैं कॉमन ले लूँगी दोनों में से यहाँ पर मेरे पास आएगा ई टी माइनस के एक्स ये मेरे पास आ गई इक्वेशन नंबर वन ठीक है उसके बाद टाइम जो डिपेंडेंट शोडेंजर वेव इक्वेशन थी वो मेरे पास क्या थी वो मेरे पास थी आयोटा एच कट करली साई बाय करली टी इज इक्वल टू माइनस एच कट स्केयर बाय टू एम करली स्केयर साई बाय करली एक्स स्केयर प्लस वी साई ये इक्वेशन नंबर टू ये मेरे पास थी टाइम डिपेंडेंट शोडिंजर वेव इक्वेशन अब हमने ड्राइव क्या करना है हमने टाइम इनडिपेंडेंट शोडिंजर वेव इक्वेशन को ड्राइव करना है ठीक है तो उसके अंदर मैं क्या करूँगी कि जो मेरे पास ये इक्वेशन नंबर वन है ठीक है इसका मैं डेरिवेटिव करती हूँ विद रिस्पेक्ट टू टी क्योंकि मुझे इस इक्वेशन के अंदर पुट करना है तो मैं इक्वेशन वन का पार्शियल डेरिवेटिव कर रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू टी तो करली साई बाय करली टी मेरे पास क्या आ जाएगा एरियस टू पावर माइनस आयोटा एच कट ई टी माइनस के एक्स माइनस आयोटा बाय एच कट एज इट इज़ और ये मेरे पास क्या आ जाएगा ई e आ जाएगा क्यों क्योंकि जो अगर हम डेरीवेटिव करते हैं किसका इसका e की पावर माइनस ए एक्स है तो मेरे पास क्या आता है ई रेज टू पावर माइनस एक्स और फिर मैं क्या करती हूँ जो ए है उसका डेरिवेटिव करूँगी माइनस ए एक्स का माइनस ए आ जाएगा तो ये ई रेज टू पावर माइनस ए एज इट इज़ एक्स और इसका डेरिवेटिव कर दिया मैंने ये ठीक है मैथमेटिकल है ये टर्म अब ये टर्म अगर हम देखें तो ये किसके इक्वल है साई एक्स टी के इक्वल है ठीक है साई सिंप्लिसिटी के लिए मैं साई लिख रही हूँ और यहाँ पर क्या आ रहा है माइनस आयोटा एच कट ई अगर मैं इस इक्वेशन को किसे आयोटा से मल्टीप्लाई कर दूँ और आयोटा से डिवाइड कर दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ठीक तो है तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा ई साई नेगेटिव थाई आयोटा स्केयर बाय आयोटा एच कट ठीक है और आयोटा स्केयर क्या होता है मेरे पास माइनस वन माइनस और माइनस ये हो क्या हो जाएगा प्लस वन तो यहां पर क्या आ जाएगा ई साई आयोटा एच कट और यहाँ क्या आ गया साई टी इस टर्म को मैं इधर ले जाती मल्टीप्लाई कर देती हूँ क्या आएगा आयोटा एच कट करली साई बाई करली टी इज इक्वल टू ई साई ये क्या है मेरे पास इक्वेशन नंबर थ्री ठीक है ये मेरे पास आ गई इक्वेशन नंबर थ्री अब देखो या हमें क्या करना है टाइम इनडिपेंडेंट शोडेंजर इक्वेशन ड्राइव करनी है जिसके अंदर से मैं इस टी वाली टर्म को क्या करना चाहती हूँ रिमूव करना चाहती हूँ जो मेरे पास एनर्जी की फॉर्म में आ चुकी है ठीक है सेकेंडली जो यहाँ पर मैंने पोटेंशियल लिया है ठीक है अगर यहाँ पर मैं पोटेंशियल लूँगी पोटेंशियल इज़ अ फंक्शन ऑफ ओनली पोजिशन नोट टाइम जो पोटेंशियल है हमारे पास वी अगर फंक्शन किसका है पोजिशन का टाइम का नहीं है तो मैं वेव फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ तो मैं वेव फंक्शन को मेरे पास ये था ना साई एक्स टी तो मैं वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकती हूँ बाय यूजिंग मेथड ऑफ सेपरेट वेरिएबल्स जो हम मैथमेटिक्स के अंदर करते हैं साई एक्स टी को मैं क्या लिख सकती हूँ मान लो ये मेरे पास क्या है एक फंक्शन है यू एक्स ठीक है एफ़ टी सेपरेट जो हमारे पास सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स है वो मैं इस इस फॉर्म में लिख सकती हूँ जो साई था वो फंक्शन किसका था एक्स और टी का तो मैं साई को इस तरह से अलग अलग वेरिएबल्स की फॉर्म में लिख सकती हूँ एक फंग यू मैंने फंक्शन ले लिया एक्स का और एफ़ मैंने फंक्शन ले लिया किसका है वो टी का है ठीक है तो मैं इसको लिख सकती हूँ अगर मैं सिंपलिसिटी के लिए लिखूँ तो यू साई मेरे पास क्या आ गया यू एफ ये हमें याद रखना है कि u फंक्शन किसका है x का और f फंक्शन किसका है t का वन टू थ्री दिस इज इक्वेशन नंबर फोर ठीक है अब मुझे इस इक्वेशन में क्या चाहिए करली साई बाई करली एक्स के रोड चाहिए तो मैं क्या करती हूँ इसको डिफ्रेंशिएट करती हूँ विद रिस्पेक्ट टू तो एक्स तो एफ अगर टाइम का है तो यहाँ पर ये कॉन्स्टेंट रहेगा और ये क्या बन जाएगा करली यू बाई करली एक्स ठीक है करली uh, स्केयर साई बाई करली एक्स स्केयर चाहिए तो अगेन हम क्या करेंगे इसका डिफरेंशियल करेंगे तो करली साई करली एक्स स्केयर इज इक्वल टू एफ एज इट इज ये क्या आ जाएगा करली स्केयर यू बाई करली स्केयर इसको इक्वेशन नंबर फाइव ठीक है अब हमें क्या करना है इक्वेशन थ्री फोर और फाइव इन इक्वेशंस को हमें इक्वेशन नंबर टू के अंदर क्या करना है पुट करना है इसको मैं यहाँ से रब कर देती हूँ क्या आएगा मेरे पास ई साई इज इक्वल टू माइनस एच कट स्केयर बाई टू एम यहाँ पे क्या आ जाएगा एफ करली स्केयर यू बाय करली एक्स स्केयर प्लस वी साई ठीक है अब मेरे पास साई की वैल्यू क्या थी यू एफ तो यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर दूंगी यू एफ माइनस एच कट स्केयर बाय टू एम एफ कर्ली स्केयर यू बाय करली एक्स स्केयर प्लस वी साई की जगह क्या आ जाएगा यू एफ ठीक है अब मैं क्या करती हूँ पूरी इक्वेशन को एफ से डिवाइड कर दूँ कर सकते हैं ठीक है पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर रही हूँ मैं एफ से तो यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा ई यू माइनस एच कट स्केयर बाय टू एम करली स्केयर यू बाय करली एक्स स्केयर प्लस वी यू ठीक है इसको और सिंप्लिसिटी के लिए क्या लिख सकते हैं हम पर लिखते हैं यहाँ मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ एच कट स्केयर बाई टू एम करली स्केयर यू बाय करली एक्स स्केयर प्लस ये इधर चला गया ठीक है ये इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा ये ऑलरेडी पॉजिटिव था प्लस ई माइनस वी यू इज इक्वल टू जीरो दिस इज शडिंजर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन इन वन डायमेंशनल ठीक है ये वन डायमेंशन में है एक्स की फॉर्म में आ रही है ना अगर हम इसको एक्सटेंड करें थ्री के अंदर तो मेरे पास ये वैल्यू क्या होगी सॉरी पॉजिटिव uh, ही आएगा एच कट स्केयर बाय टू एम करली स्केयर यू बाय करली एक्स स्केयर प्लस करली स्केयर यू बाय करली वाई स्केयर प्लस करली स्केयर U by curly जेड square plus e minus v u is equal to zero ठीक है अगेन हम इसको कैसे लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं h कट स्केयर बाय two m करली स्केयर बाय करली एक्स स्केयर प्लस करली स्केयर बाय करली वाई स्केयर प्लस करली स्केयर बाय करली जेड स्केयर यू प्लस ई माइनस वी यू इज इक्वल टू जीरो और ये हमारे पास क्या है इसको हम क्या बोलते हैं डेल स्केयर तो ये क्या आ जाएगा एच कट स्केयर बाई टू एम डेल स्केयर यू प्लस ई माइनस वी यू इज इक्वल टू ज़ीरो इसको लेप्लेन डेल स्केयर को हम क्या लिख सकते हैं वेयर डेल स्केयर इज इक्वल टू करली स्केयर बाय करली एक्स स्केयर प्लस करली स्केयर बाय करली वाई स्केयर प्लस करली स्केयर बाय करली जेड स्केयर इसको लेप्लेसियन ऑपरेटर भी बोलते हैं मैथमेटिक्स की टर्म में तो ये जो इक्वेशन मेरे पास आई है दिस इज द टाइम इनडिपेंडेंट शोडिंजर वेव इक्वेशन इन थ्री डायमेंशन ये थ्री डायमेंशन में है ये हमारे पास किस में थी वन डायमेंशन में नेक्स्ट टॉपिक इज आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शन ठीक है तो शोडिंजर इक्वेशन के जो है ना बहुत सोल्यूशंस होते हैं मैनी सोल्यूशंस होते हैं बट दे आर नॉट सिग्निफिकेंट वो सोल्यूशन सिग्निफिकेंट नहीं होते सिग्निफिकेंट होते हैं फॉर द सर्टेन एनर्जी वैल्यूज़ और उनको हम क्या बोलते हैं आइगन वैल्यूज़ बोलते हैं उनके कॉरस्पोंडिंग जो फंक्शंस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं आइगन फंक्शन एक एग्जाम्पल से जैसे मेरे पास ये एक वेव फंक्शन है साई इसके ऊपर मैंने क्या किया एक ऑपरेटर लगाया ठीक है तो ये मुझे वैल्यू क्या देगा लैमडा साई यहाँ पर जब मैंने इसके ऊपर ऑपरेटर लगाया तो ये जो मुझे फंक्शन होगा इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो फंक्शन होगा दैट इज कार्ड द आइगन फंक्शन इसको क्या बोलेंगे आइगन फंक्शन और जो हमारे पास ये वैल्यू आएगी वे फंक्शन तो हमारे पास सेम रहेगा जो ये वैल्यू आएगी उसको हम क्या बोलते हैं आइगन वैल्यू ठीक है अब क्या है जैसे ही हम इसके ऊपर ऑपरेटर लगाते हैं तो हमारे पास जो ये वेव फंक्शन है वो वेव फंक्शन क्या रहता है सेम रहता है ठीक है इसको हम कैसे समझ सकते हैं इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं अगर मैं ऑपरेटर जो है ये ले लूँ ठीक है और मेरे पास वेव फंक्शन क्या है ई रिज टू पावर टू एक्स तो अगर मैं इसको ऑपरेट करती हूँ इस पर तो ए साइ मेरे पास क्या आएगा डी एक्स के ई रेस टू पावर टू एक्स इसका डेरिवेटिव करेंगे टू टाइम्स फर्स्ट टाइम तो ई रेस टू पावर टू एक्स इंटू टू आ जाएगा सेकेंड टाइम करेंगे तो टू साथ में आ जाएगा तो ये क्या आएगा फोर ई रेस टू पावर टू एक्स और ये टू एक्स क्या है साई है मेरे पास क्या आ गया फोर साई तो हमारे पास जब हम इसको इसको इक्वेट करेंगे तो ए साई मेरे पास क्या आ गया फोर साई जो कि क्या है एक कांस्टेंट क्वांटिटी है ये ठीक है तो ये मुझे क्या दे रही है आइगन वैल्यू दे रही है वेव फंक्शन मेरे वे पास क्या रह रहा है सेम रह रहा है ठीक है तो जब हमारे पास सोडेंजर वेव इक्वेशन के अंदर एक से ज़्यादा सोल्यूशन होते हैं जो सिग्निफिकेंट नहीं होते ये सिग्निफिकेंट होते हैं फॉर द सर्टेन एनर्जी वैल्यूज और उनको हम क्या बोलते हैं आइगन वैल्यूज़ तो दिस इज ऑल अबाउट द आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन फंक्शन और नेक्स्ट टॉपिक इज फ़ंक्शन एंड इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस सबसे पहले हम देखते हैं कि वेव फंक्शन क्या होता है ठीक है देखो वेव फंक्शन के लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जैसे आपके पास एक आधार कार्ड है ठीक है आधार कार्ड में क्या इम्पोर्टेंट है वो नंबर अगर आपके आपका वो नंबर अगर आपने उसको आधार कार्ड को किसी उससे लिंक करवाया है जैसे खाता नंबर से तो आपके खाते में क्या ट्रांजैक्शन हुई है क्या हुआ है वो एक नंबर से पता चल जाता है ठीक है आधार कार्ड मतलब आप हमारा क्या है कि अगर आपके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो जो हमारे पास जो नंबर है आधार नंबर अगर किसी की इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो उस आधार नंबर के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि उसका एड्रेस क्या है वो पर्सन जो है कहाँ से कहाँ रहता है उसकी इनकम क्या है उसके बैंक अकाउंट कितने हैं और सब कुछ ठीक है तो हमारे पास अगर हमें किसी की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है आधार कार्ड ठीक है इसी तरह से अगर हम क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम की बात करें तो उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट क्या है वेव फंक्शन ठीक है क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हमें कौन देगा वेव फंक्शन देगा तो हमें क्या पता होना चाहिए वेव फंक्शन ठीक है और वेव फंक्शन को अगर मैं जनरली रिप्रेजेंट करूँ तो हम मैं किससे करती हूँ आर टी से ठीक है ये थ्री डायमेंशन में है आर जो है पोजीशन है एक्स वाई जेड अगर हम बुक्स में देखें तो वन डायमेंशन में मेनली दिया होता है एक्स टी ठीक है ये हमारे पास क्या है वेव फंक्शन है और इस वेव फंक्शन को हम किससे सॉल्व कर सकते हैं इस वेव फंक्शन को हम सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं और यहाँ पर वो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है अभी हमने किया था आयोटा एच कट कर ली साई बाई कर ली टी इज इक्वल टू माइनस एच कट स्केयर बाय टू एम अगर मैं एक्स में कर रही हूँ तो करली स्केयर बाय करली एक्स स्केयर साई प्लस वी साय ये जो मेरे पास इसको यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन मान के चलते हैं क्वांटम मकैनिकल सिस्टम में ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ये है जैसे क्लासिकल के अंदर अगर मैं क्लासिकल का एक्जाम्पल हूँ तो क्लासिकल के अंदर हमारे पास सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आती है ना यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या है मेरे पास एफ इज इक्वल टू एम डी स्केयर एक्स बाय डी डी स्केयर एक्स बाय डी टी स्केयर एम ए होता है ना फोर्स इज इक्वल टू मास इन टू एक्सलेशन तो एक्सलेशन को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ अगर मैं कोई एग्जाम्पल मान लो स्प्रिंग का एग्जाम्पल ही लेती हूँ तो केस में पास, मेरे पास फोर्स क्या आएगा माइनस के एक्स ठीक है इन दोनों को इक्वेट करूँ अगर मैं तो एम डी स्केयर एक्स डी टी स्केयर प्लस के एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास ज़ीरो ये मेरे पास क्या है क्लासिकल की सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करती हूँ तो मेरे पास एक्स क्या आता है ए कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव ठीक है अगर मुझे इसके अंदर आ, पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी है तो मैं इसका डेरिवेटिव करूँगी एक्सेलेशन निकालनी है तो डबल डेरिवेटिव मोमेंटम निकालना है तो मास इन टू विलोस्टी ठीक है मतलब अगर मेरे पास एक्स है तो मैं क्लासिकल जो मेरे पास ये क्लासिकल सिस्टम है इसके बारे में मुझे आप पार्टिकल का कुछ भी पूछोगे तो मैम इसमें इजीली बता सकती हूँ अगर मेरे पास ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसको सॉल्व करके ये आया ना इसी तरह से मेरे पास ये क्या है क्वांटम के अंदर ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको सॉल्व करके मेरे पास क्या आएगा वेव फंक्शन आएगा साई si. ठीक है साई क्या है हमारे पास ये वेव फंक्शन है और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है साई का कोई फिजिकल अकेले साई कुछ भी नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है ठीक है देखो जैसे आप मैं बोलूँ कि मार्कर आप बोलोगे कि इतनी लेंथ है ठीक है कन्फाइंड हो गया ना टू पॉइंट्स के अंदर पार्टिकल है ये आपको दिख रहा है इसकी एक इमेज आ जाती है बोर्ड है तो आप बोलोगे कि इतना साइज है इसका इतनी लेंथ है इतनी ब्रेड है ये आपको दिख रहे हैं ठीक है पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं इसके आप फिजिकली इसको क्या कर सकते हो मेज़र कर सकते हो लेकिन अगर मैं साई की बात करूँ तो साई को हम मेज़र नहीं कर सकते मेज़र नहीं कर सकते और हमने किया था कि एग्जैक्टली exactly पोजीशन भी हम फाइंड आउट नहीं कर सकते वेव uh, वेव्स wave, के अंदर जो हम वेव फंक्शन लेते हैं अगर पार्टिकल की एग्जैक्टली पोजीशन फाइंड आउट करनी है तो हम नहीं कर सकते हाँ अगर याद हो तो हमने उसके अंदर वेव पैकेट्स के अंदर भी मैंने बताया था कि हम ये बता सकते हैं कि जो पार्टिकल है वो बिटवीन इन टू नोड्स है इन नोड्स के बीच में है कहीं भी पार्टिकल लाई कर सकता है लेकिन कहाँ एग्जैक्टली ले लाई करेगा ये हम नहीं कह सकते हाँ उन दोनों पॉइंट्स के बीच में कहीं भी हो सकता है लेकिन एग्जैक्टली ले हम फाइंड आउट नहीं कर सकते तो साई का अकेले कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है तो ये हमारे पास वेव फंक्शन है जिसको मैंने बताया कि जो हमारे पास क्वांटम मकैनिकल सिस्टम में कोई भी अगर हमें उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन चाहिए सिस्टम के बारे में कोई तो हमें वो किससे पता चलेगी वेव फंक्शन से लेकिन अकेले इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक में ये तो मैंने बताया कि वेव फंक्शन क्या है ठीक है अगर मैं फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करूं तो फिजिकल सिग्निफिकेंस साई हमारे पास क्या है एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है क्या है एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है ठीक है अकेले ये कुछ भी नहीं है लेकिन अगर मैं साई को इसके कॉम्प्लेक्स कंजुकेट के साथ क्या कर दूं मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को ये मैग्नीट्यूट देता है साइज के ठीक है इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है इसको मैं बोलती हूँ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या बोलते हैं हम इसको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और इसके नाम का लॉजिक भी है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ठीक है क्या कि हमारे पास जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि वेव पैकेट के अंदर बिटवीन टू नोड्स जो पार्टिकल को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी है वो होगी पार्टिकल उन दोनों नोट्स के बीच में है ठीक है जहां एम्पलीट्यूड ज्यादा है प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल एट एनी पॉइंट एट अ गिवन टाइम किसी भी गिवन टाइम के अंदर किसी पॉइंट के ऊपर जो प्रोबेबिलिटी है पार्टिकल को फाइंड करने की वो क्या है वो आपको क्या देगी साइज स्केयर देगा जिसको आप प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के नाम से बोल रहे हो ठीक है अब इसका एग्जाम्पल मान लो मैंने साई लिया ए प्लस आयोटा बी और मैं साई स्टार ले लूँ या कॉम्प्लेक्स कंजुकेट जो है इसका किसी भी फंक्शन का जब कॉम्प्लेक्स कंजुकेट लेते हो तो क्या है उसका बेसिक मतलब कैसे लेंगे हम किसी भी वेव फंक्शन का अगर हमें कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेना है तो हम क्या करेंगे जो आयोटा वाली टर्म है उसके साथ जो साइन है वो चेंज कर देंगे ये उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट आ गया तो साई इंटू साई स्टार मेरे पास क्या आएगा दैट इज इक्वल टू साई स्केयर तो ए प्लस आयोटा बी और ए माइनस आयोटा बी सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा ए स्केयर प्लस ए आयोटा बी माइनस ए आयोटा बी माइनस आयोटा स्केयर बी स्केयर इससे ये कैंसिल हो जाएगा आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है माइनस वन तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी साई स्टार स्केयर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास ए स्केयर प्लस बी स्केयर ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास ठीक है तो ये जो साई si स्केयर है ये हमें क्या दे रहा है ये हमें दे रहा है कि आपका जो पार्टिकल है पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी ठीक है कहाँ आपकी ज़्यादा है और कहाँ आपकी कम है वो हमें कौन देगा ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ठीक है तो इसका जो आइडिया था 1926 के अंदर मैक्स बॉर्न ने दिया था किसने दिया था मैक्स बॉर्न ने स्टेटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन दिया था किसका साइज स्टार स्केयर का उनके अकॉर्डिंग जो प्रोबेबिलिटी है ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल वो किसके प्रोपोर्शनल होगी वो प्रोपोर्शनल होगी साइज के के यहाँ पर मैंने वर्ड यूज किया है प्रोपोर्शनल नॉट इक्वल इक्वल नहीं इक्वल का मतलब तो ये हो गया कि हमें पता चल गया कि एक्जैक्टली पार्टिकल कहाँ है ठीक है लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि हम इसके अंदर एक्जैक्ट पोजिशन को मेजर कर सकते हैं मैंने बार बार यही कह रही हूँ कि हम प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं पार्टिकल की कि कहाँ हो सकती है ठीक है पार्टिकल जो है मान लो प्रोटोन है प्रोटोन कहाँ हो सकता है दो पॉइंट्स लिए ये वॉल है एक ये वॉल है प्रोटोन इन दोनों वॉल्स के बाहर नहीं जा सकता पैनिट्रेट नहीं कर सकता इन दोनों वॉल्स के अंदर है तो इन दोनों वॉल्स के अंदर प्रोटोन यहाँ भी हो सकता है यहाँ भी हो सकता है यहाँ भी, भी हो सकता है कहीं भी हो सकता है हमारे पास हम सिर्फ प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं कि हाँ प्रोटोन के होने की प्रोबीबिलिटी कहाँ मैक्सिमम है ठीक है जैसे इसका एग्जाम्पल अगर मैं लूँ अगर मैं वन डायमेंशन की बात करूँ तो वन डायमेंशन में हम क्या लिखते हैं वेव फंक्शन टी और अगर मैं वेव फंक्शन ड्रॉ करूँ वन डायमेंशन में ठीक है ये मेरे पास क्या है यहाँ पर साइज si स्क्वायर और ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स है पोजिशन के भी रिस्पेक्ट में है ये मान लो मेरे पास पॉइंट पी है ये पॉइंट क्यू है तो बिटवीन पी एंड क्यू अगर मुझे फाइंड आउट करनी है पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी तो मैं क्या करूँगी ये जो एरिया है इस एरिया के बीच में पार्टिकल कहीं भी हो सकता है है ना तो हमें क्या करना है अगर मैं इस एरिया को डिवाइड कर दूँ स्मॉल स्मॉल स्ट्रिप्स के अंदर और इसकी एक स्ट्रिप की थिकनेस मैंने क्या ले ली डी एक्स तो पार्टिकल जो है इस छोटे से एरिया में पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी ये होगी ठीक है और मैंने पूरा एरिया निकालना है तो पूरे एरिया में मैं क्या कर दूंगी इसको इंटीग्रेट कर दूंगी पी एक्स को ये मुझे क्या दे रहा है ये मुझे दे रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल बिटवीन पी एंड क्यू एट एनी टाइम टी ठीक है दो चीज़ें हैं हमारे पास वो क्या एक तो जो प्रोबेबिलिटी है पार्टिकल की फाइंडिंग की वो यहाँ लार्ज होगी यहाँ क्या होगी कम होगी ठीक है लेकिन जो साइज केयर है हमारे पास वो जीरो भी हो सकता है मतलब पार्टिकल एब्सेंट है वन भी हो सकता है मतलब स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है पार्टिकल की फाइंड होने की लेकिन कांट भी नेगेटिव ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगी ठीक है ना जो हमारे पास लेस देन ज़ीरो है ना ये कभी भी नहीं हो सकती ये पॉसिबल ही नहीं है इट कान कैन नेवर बी नेगेटिव तो साइज केयर जो है वो नेगेटिव नहीं होगा हाँ ज़ीरो भी हो सकता है वन भी हो सकता है इसके इसकी बात नहीं कर रही वैसे कह रही हूँ कि ज़ीरो भी हो सकती है प्रोबेबिलिटी वन भी हो सकती है लेकिन नेगेटिव नहीं होगी क्योंकि ये देखो यहाँ पे भी ग्राफ से भी हमारे पास नेगेटिव नहीं जा रही ठीक है और दूसरी बात यहाँ पर मैंने क्या बोला एट एनी टाइम टी मतलब जो आपके पास ये वेव फंक्शन है ये क्या है पीओडिकली है प्रियोडिकली मतलब टाइम के ऊपर डिपेंड करता है जैसे मान मैं लो मैंने पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी यहाँ फाइंड आउट करनी है इस पॉइंट पर ठीक है इस पॉइंट पर पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी देख ली हमने दो मिनट के बाद अगर मैं दोबारा चेक करूं तो जो प्रोबेबिलिटी पहले थी पार्टिकल के होने के चांसेस मान लो पहले 40 परसेंट यहाँ थे लेकिन आफ्टर टू मिनट्स वो यहाँ पर 40 परसेंट नहीं होंगे क्यों क्योंकि जो वेव फंक्शन है वो प्रियोडिकली क्या होता है चेंज होता है जैसे एग्जांपल वाटर है वाटर के अंदर हम स्टोन डालते हैं तो आप देखो कि जो वेव है उसकी हाइट क्या हो रही है चेंज हो रही है मतलब जो आपका वेव फंक्शन है वो प्रियोडिकली क्या हो रहा है चेंज हो रहा है वेव फंक्शन चेंज होगा तो वेव फंक्शन क्या है ऐसा ही स्टार uh, के साई इन टू साइज स्टार था कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ही लेके चल रहे थे ना ये हम यही था ठीक है ये चेंज हो रहा है तो हमारे पास ये जो डेंसिटी है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ये भी क्या होगी चेंज होगी ये तो मैंने कहा वन डायमेंशन में अगर मैं थ्री डायमेंशन की बात करूँ तो थ्री डायमेंशन में हमारे पास पार्टिकल क्या होते हैं आर टी ठीक है थ्री डायमेंशन थी में पार्टिकल का एग्जांपल मान लो क्यूबॉइड ले लो क्यूबॉइड के अंदर लेंथ ब्रेथ और हमारे पास क्या होती है हाइट होती है ठीक है क्यूबोयड है तो उसका क्या होगा वॉल्यूम उस क्यूबोएड के अंदर पार्टिकल उस क्यूबोयड के अंदर मान लो मैंने पार्टिकल क्या ले लिया प्रोटोन ले लिया उस क्यूबोयड के अंदर प्रोटोन कहीं भी हो सकता है ठीक है होगा किस में उस लेंथ ब्रेथ और हाइट के अंदर वॉल्यूम लेके चल रहे हैं ना तो उसका जो स्मॉल एलिमेंट है वॉल्यूम का वो मैंने क्या ले लिया डी वी ले लिया और हमें पार्टिकल को पूरे को कन्फाइन करना है तो पार्टिकल मेरे पास इंटीग्रेट करूँगी मैं जीरो टू एल लेंथ ले ली जीरो टू बी ब्रेथ ले ली और जीरो टू एच हाइट ले ली तो पार्टिकल के वहाँ होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो मेरे पास इसका इंटीग्रेट करूंगी ठीक है और पार्टिकल इन लिमिट्स के अंदर कहीं भी हो सकता है एट एनी टाइम टी तो ये हमें क्या देगा पार्टिकल की जो होने की प्रोबेबिलिटी कहाँ मैक्सिमम है वो फाइंड आउट बताएगा ये हमें क्या देगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन क्यूबोइड लिमिट्स क्या होंगी एल बी और एच उनके बीच में हमारे पास पार्टिकल की फाइंडिंग की जो प्रोबेबिलिटी है क्यूबोर्ड की वो क्या होगी ये वेव फंक्शन हमें बताएगा दिस इज ऑल अबाउट द वेव फंक्शन एंड इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस्ड अबाउट ऑर्थोगलिटी एंड नॉर्मलाइजेशन ऑफ द वेव फंक्शन एंड ऑब्जर्वेबल एंड ऑपरेटर थैंक यू